सो गैस बहुत सारे लोगों की क्या हो रहा है ना कि प्ले स्टोर जैसे ही ओपन करते हैं प्ले स्टोर में ट्राई अगेन की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो चेक योर कनेक्शन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेन यू आर बैक ऑनलाइन। ठीक है, यह इस तरह की आ रही है या आप लोगों की यहाँ पर एप्लीकेशन लोड ही नहीं हो रही। ठीक है, कुछ लोगों की लोड हो रही है मगर कुछ लोगों की लोड नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह फिक्स किया जा सकता है। यहाँ पर गेम वगैरह मतलब तमाम चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही तो इस तरह ही दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कौन से स्टेप हैं जिसे आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों की प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जस्ट आ जाना है ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो में आप लोग जैसे ही आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर डाटा क्लियर स्टोरेज का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लियर कैशियर को। पहले सबसे पहले हम क्लियर कैशियर को करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं क्लियर स्टोरेज को। हम इन दोनों को क्लियर करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो हम लोग देख सकते हो कि हमारा दोनों डाटा क्लियर हो चुका है। तो अब इन दोनों को करने के बाद आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपने वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन है उसको एक दफ़ा सही करके कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी देख सकते हो कि मैंने वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं एक दफ़ा वाईफाई को सही करके कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट हो गया। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोगों ने सर्च कर लेनी है इस एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम आप लोगों ने कैसे सर्च करना है, क्योंकि यार यहाँ पर हमें इसको अपडेट करने की जरूरत है। इसको अपडेट करने के लिए जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद हम लोग प्ले स्टोर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोगों ने अपडेट नहीं किया होता, इस वजह से भी उनकी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोग अपने प्ले स्टोर को भी अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर किस तरह अपडेट होता है, प्ले स्टोर अपडेट करने के लिए जस्ट आप लोगों ने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि अभी हमारा क्लियर कैशियर क्लियर डेटा हुआ है, इस वजह से ये प्ले स्टोर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप लोग इसको सेकंड टाइम ओपन करोगे, ठीक है, एक दफ़ा करने के बाद आप लोग जब इसको ओपन करते हो तो आप लोगों को हमेशा प्ले स्टोर थोड़ा सा टाइम लगाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि अभी प्ले स्टोर हमारा ओपन हो रहा है, एंड ओपन जैसे ही होता है मैं आपको उसके बाद चेक कराता हूँ। प्ले स्टोर अपडेट हो रहा है मतलब एप्लीकेशन वगैरह तमाम चीज़ें चलने लग गई हैं, मगर अगर आप लोगों की फिर भी नहीं चलती, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी फिर भी नहीं चलती, तो उसके लिए आप लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों ने क्लिक करना है माई ऐप एंड अपडेट में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग में आ जाना है सबसे पहले। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर अबाउट में आ जाना है। ठीक है, सबके फोन में अबाउट होगा। यहाँ पर आने के बाद आप प्ले स्टोर अपडेट कर देना है। ठीक है, आप लोग जैसे ही प्ले स्टोर अपडेट करोगे यहाँ पर आप लोगों को सामने कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप लोगों ने जस्ट अपने फोन को एक दफ़ा ऑफ होने देना है और रीस्टार्ट करना है। उसके बाद ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देर के लिए आप लोगों ने वेट करना है क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा है। आप लोगों ने गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है, एंड गॉट इट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है एप्लीकेशन में, गेम में, ऐप में, जो भी आप लोग करना चाहते हो इजीली आप लोग कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मेरी जितनी भी एप्लीकेशन है मेरा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ये शो नहीं हो रही, मगर आप लोगों के इजीली शो हो जाएंगे। जो भी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उसके बाद आप लोग इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, इंस्टॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि वो एप्लीकेशन हमें शो होना स्टार्ट हो गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता लग गया होगा कि भाई किस तरह आप लोग अपने प्ले स्टोर वगैरह को आप लोग अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है वो क्यों नहीं वर्क कर रही, क्यों आप लोगों की प्रॉब्लम आ रही है ट्राई अगेन की। ठीक है, ट्राई अगेन की प्रॉब्लम को जस्ट आप लोग इस तरह करके फिक्स कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, कैम्बली इंग्लिश टीचर एप्लीकेशन है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग भी ईजिली मतलब किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहो, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आ रही है तो आप लोग इसको इस तरह फिक्स कर सकते हो। जस्ट आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपने प्ले स्टोर को एक दफ़ा अपडेट करना है और इसके बाद ऐप इन्फो पे क्लियर कैशियर क्लियर डेटा आप लोगों ने कर लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।